हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रदीप प्रजापत। आपको सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के भी एक दो टॉपिक दिए थे मैंने, ठीक है। इसके बाद में कुछ टॉपिक साइंस के भी आएंगे आपके सामने, ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा था सोशल साइंस के अंदर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ये है तो 10th क्लास रिलेटेड, लेकिन 10th क्लास या जो भी NCERT बेस्ड जो भी कुछ होता है वो आपके फ्यूचर ओरिएंटेड या फिर जो भी कंपटीशन एग्जाम रिलेटेड सारे जो हैं यही कंटेंट काम आता है, ठीक है। UPSC से लेकर जो है जो भी नीचे से नीचे जो भी एग्ज़ाम होता है वो सब में एग्ज़ाम ये कॉमन होता है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। हम कल बात कर रहे थे पावर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की पावर के बारे में हम देख रहे थे। तो गवर्नर की पावर के अंदर एक जो सबसे खास और इम्पोर्टेंट जो पावर होती है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, मतलब राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियां, तो उसके बारे में देखते हैं। स्वविवेक शक्तियां या इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। देखो, डिस्क्रिशनरी पावर और स्वविवेक शक्तियां ये इंपॉर्टेंट तब हो जाती हैं इसलिए क्योंकि गवर्नर वर्क एज एजेंट इन द स्टेट, ठीक है। एक तो वो एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि एजेंट की तरह काम करता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका हमेशा स्टेट गवर्नमेंट में हमेशा कंट्रोल बना रहता है, और हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वही एक्टिविटी हो जो हम चाहे। तो एक तो ऐसे जो है ये जो गवर्नर की जो पोस्ट होती है ये हमेशा डिस्प्यूट में भी रहती है, ठीक है। इसके अलावा भी इसके पास में एक तो ऐसी पावर होती है कि ये खुद जो है अपने लेवल पे डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो डिस्क्रिशनरी पावर हमेशा दो तरह की होती है, ठीक है। दो तरह की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, एक होती है डायरेक्ट डिस्क्रिशनरी पावर और एक होती है इनडायरेक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष स्वविवेकीय शक्तियां और इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष स्वविवेकीय शक्तियां। देखो, प्रत्यक्ष कब होती है, जैसे हर 5 साल के अंदर स्टेट के अंदर इलेक्शन होते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है विधानसभा है उसके जो है CM डायरेक्ट इलेक्शन से जो है MLA आते हैं, उन MLA में से जो है हमें एक जो मेजोरिटी ग्रुप का जो CM होता है उसको CM डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये सारा काम किसके अंडर में होता है, लगभग गवर्नर के अंडर में होता है, और गवर्नर जो है जो मेजोरिटी में ग्रुप है उसको इनवाइट करता है एज CM के तौर पे, ठीक है। उसको बोलता है कि जो है तुम अपनी सरकार बनाओ, मेजोरिटी प्रूव करो और तुम जो है एज CM डिक्लेयर करो, तो CM को इनवाइट करता है। तो ये होता है फर्स्ट, इसका वर्क होता है CM को टू कॉल CM मेक गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है। अपनी गवर्नमेंट बनाता है, मतलब अपनी जो है वो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल सेलेक्ट करता है, अपनी गवर्नमेंट बनाता है, तो CM को जो है इनवाइट करता है गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक। इसके बाद में जो होता है एक, जैसे कभी स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट यदि अपना शासन करने के लिए गवर्नेंस करने के लिए यदि फेल हो जाए, मतलब इसको बोलते हैं संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग यदि आर्टिकल जो है वो संविधान के अंदर ऐसा कहा गया है कि किसी राज्य की जो गवर्नेंस होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो यदि फेल हो जाए, उस कंडीशन में राज्यपाल क्या करेगा, प्रधानमंत्री को जो है वो राष्ट्रपति को इन्वाइट करेगा, ठीक है, उसको परामर्श करेगा, एडवाइस करेगा, और तो वहां पे जो है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, और ये इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करेगा, ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट। और ये किस प्रेसिडेंट को किसने किसने बताया, गवर्नर ने, ठीक है। गवर्नर जो है संवैधानिक तंत्र विफल होने पर प्रेसिडेंट को जो है इस बात की इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा इनडायरेक्ट के अंदर, ये डायरेक्ट के अंदर, इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है, अभी मान के चलो स्टेट के अंदर इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिशंकु विधानसभा या त्रिशंकु विधानसभा, ये इसको बोलते हैं हंग लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, हंग लेजिस्लेटिव असेंबली। तो फर्स्ट कंडीशन में होता है हंग
लेजिस्लेटिव असेंबली की कंडीशन में, ठीक है, हंग लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब त्रिसंघ विधानसभा, ऐसी विधानसभा या ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें किसी भी ग्रुप को मेजोरिटी नहीं मिली हो, मतलब बहुत सारे ग्रुप आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्ट इलेक्शन के दौरान, और किसी भी ग्रुप को जो है डायरेक्ट पूरे जो है 100% मेजोरिटी नहीं मिली हो, 50% से ऊपर जो है किसी को मेजोरिटी नहीं मिली हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जो गवर्नमेंट बनती है वो हंग गवर्नमेंट बनती है, जिसको बोलते हैं जो पार्टनरशिप गवर्नमेंट बनती है, साझेदारी सरकार बनती है, सबके एमएलए जो है बार्गेनिंग होती है, तो वो जो गवर्नमेंट होती है वो अनस्टेबल होती है। तो उस कंडीशन में जो है सीएम किसको इनवाइट करना है, जो ग्रुप सबसे ज्यादा एमएलए रखेगा या फिर ऐसा ग्रुप जिसके पास में सबसे ज्यादा एमएलए, उस ग्रुप को एज ए सीएम इनवाइट करेगा। ये काम भी कौन करता है, गवर्नर करता है, सीएम इनवाइट करता है उसको भी, ठीक है, गवर्नर उसको इनवाइट करता है। त्रिशंकु विधानसभा की कंडीशन में अब ऐसे सीएम को है कभी बीच में ये भी बोल सकता है, जैसे गवर्नमेंट चल रही है और गवर्नमेंट चल रही है तो बहुत सारे जो एमएलए होते हैं वो उसके अदर पार्टी के होते हैं, कुछ उसकी खुद की पार्टी के होते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, गवर्नर उस सीएम को जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अपना मेजोरिटी प्रूव करने के लिए बोल सकता है, ठीक है, ठीक है, टू प्रूव द मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब आप जो है सीएम जो है वो असेंबली के अंदर यदि मेजोरिटी प्रूव करेगा, यदि मान के चलो प्रूव नहीं हुई, ठीक है, उसने जो है अपना मेजोरिटी यदि प्रूव नहीं कर पाया, या फिर ये हो सकता है कि ही लॉस्ट हिज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, यदि वो लेजिस्लेटिव असेंबली में अपना जो है वो बहुमत खो देता है, उस कंडीशन में सीएम को जो है अपने पद से जो है वो रेजिग्नेशन भी देना पड़ सकता है। यदि वो मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाता है उस कंडीशन में वो रेजिग्नेशन भी देना पड़ेगा, मतलब गवर्नर उसे रेजिग्नेशन मांग सकता है, ठीक है। तो ये जो है डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आती है, कुछ ऐसे डिसीजन जो गवर्नर अपनी खुद के विवेक से लेता है, ठीक है, इसमें ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन है, ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उस पर कोई जो इधर दबाव बना सकती है, ठीक है, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आता है। इसके बाद में अपन चलते हैं एग्जीक्यूटिव का सेकंड पार्ट, ये लगभग गवर्नर यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के सेकंड पार्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, और वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर अपन इसका आगे सेकंड पार्ट जो रहेगा वो रहेगा सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर या फिर अपन बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो दोनों जो हैं संविधान के अंदर स्टेट गवर्नमेंट में दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज अपन गवर्नर के बारे में पढ़ रहे थे, तो गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। दूसरी चीज गवर्नर हैज ओनली द फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो रियल हेड कौन है, रियल हेड होता है ये, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रियल हेड मतलब मेन काम कौन करती है, यही करती है, और ये संविधान के अंदर लिखा हुआ भी है। देखो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, आर्टिकल 163 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट के अंदर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग सबसे अच्छा आर्टिकल है, और इसी भी इसके बात करेगा। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि फॉर द एड एंड एडवाइस, ठीक है, ऑफ गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट मेक ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर की हेल्प करने के लिए या उसको एडवाइस और उसको एडवाइस करने के लिए हमेशा मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का फॉर्मेशन होगा स्टेट के अंदर, और उसका हेड कौन होगा, उसका हेड होगा सीएम, आर्टिकल के अंदर एड एंड एडवाइस, ठीक है, टू गवर्नर। गवर्नर की एड एंड एडवाइस उसकी हेल्प के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन होगा, और उसका हमेशा हेड कौन रहेगा, सीएम रहेगा, ठीक है, आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज आर्टिकल 164, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
इसके अंदर क्या आ गया। अब ये आर्टिकल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है, तो सेकंड आर्टिकल जो है ये सीएम के बारे में बताएगा। इसमें ये लिखा गया है कि गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड डिक्लेयर करेगा, ठीक है, और स्टेट का एक सीएम डिक्लेयर करेगा, ठीक है, सीएम के लिए अपॉइंट करेगा, सीएम को नियुक्त करेगा, ठीक है। अब वो सीएम कौन होगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एज ए हेड भी वर्क करेगा, ठीक है, तो उसको जो हेड के तौर पे भी काम करना है और जो स्टेट के जो है सीएम के तौर पे भी काम करना है। अब हेड किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड, ठीक है। वो ये कहता है आर्टिकल 164 कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उस आदमी को एज ए सीएम के लिए अपॉइंट करेगा जो मेजोरिटी ग्रुप का हेड है, ठीक है। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मेजोरिटी ग्रुप का, मेजोरिटी ग्रुप का हेड है, तो जो मेजोरिटी ग्रुप का हेड होगा उसको एज ए सीएम अपॉइंट करेगा। और ये अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ये करेगा बाय द गवर्नर, ठीक है। और उसमें ये अपनी फिर बाद में वापस अपनी सेना तैयार करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है वो पूरा तैयार करेगा। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है हमेशा किसके अंडर में काम करेगी, सीएम के अंडर में काम करेगी, ठीक है। सीएम जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एज ए हेड है, ठीक है, उसका लीडर है, ठीक है, एमसी का लीडर है, एमसी, एमसी के ऊपर रहेगा हमेशा सीएम, ठीक है, और सीएम के ऊपर रहेगा गवर्नर। देखो बिल्कुल सेम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही है, बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नीचे पीएम, पीएम के नीचे जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या अपन बोल सकते हैं एमसी, ठीक है। ये हमेशा एक जो जैसे ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये फिर आगे रिपोर्ट करेगा, ठीक है। और यदि गवर्नर कोई ऑर्डर देता है सीएम को, तो सीएम वापस जाके है किसके, एमसी को बताएगा, और एमसी जो उस पर क्या करेगी, डिस्कशन करेगी, उस पर चर्चा करेगी, ठीक है। तो ये है, अब इसमें आगे देखते हैं, अपन पढ़ना है लगभग मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के बारे में, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल क्या है। देखो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जैसे हर 5 साल के अंदर इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद में सीएम डिक्लेयर होता है, सीएम डिक्लेयर होने के बाद में सीएम क्या करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली या अपन बोल सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में से, क्योंकि कुछ राज्यों में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो वहां से ऐसे मेंबर सिलेक्ट करता है, ठीक है, और अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अब फॉर्मेशन करेगा तो उसका टेन्योर कितना रहेगा, टेन्योर रहेगा 5 ईयर, 5 ईयर उनका टाइम पीरियड रहेगा, 5 साल के लिए जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी उसमें भी एक कंडीशन होती है कि जब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन रही है तो उस कंडीशन में सीएम इस बात का ध्यान रखेगा, सीएम यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना रहा है, अपनी जो मिनिस्टर सेलेक्ट कर रहा है उसमें 2 कंडीशन ध्यान रखेगा कि पहली बात तो ये कि जो भी मिनिस्टर आ रहा है वो राज्य के सारे जो एरियाज हैं वो कवर होने चाहिए, और जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी अलग अलग वर्ग हैं, वो सारे वर्ग इंक्लूड होने चाहिए। तो 2 कंडीशन होती है, सारे एरियाज कवर होने चाहिए, मतलब अपने स्टेट का कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए। सेकंड, सारे क्लास इंक्लूड होने चाहिए, चाहे वो फार्मर क्लास हो, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, चाहे वो फिर सर्विस क्लास का कोई भी हो, तो जितनी भी क्लास होती है उन सारे क्लासों का जो है रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर मिलना चाहिए। सेकंड थिंग, सेकंड बात ये कहता है कि सीएम हमेशा अपने ग्रुप में से सारे मेंबर सेलेक्ट करेगा, ठीक है, वो अपनी ऑपोजिट पार्टी के मेंबर को सेलेक्ट नहीं कर सकता, मेनली यही ध्यान रखा जाता है। इसका रीजन भी ये होता है क्योंकि सारे मिनिस्टर मिल के साथ में एक साथ काम करते हैं, ठीक है, एज ए ग्रुप की तरह काम करते हैं, एज ए यूनिट की तरह काम करते हैं, ठीक है, अपन इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो मिनिस्टर होते हैं इनको जो है ओथ कौन दिलाता है, शपथ, ठीक है, इनकी शपथ के बारे में, इनकी जो भी मिनिस्टर जो भी ओथ लेते हैं, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्टर हो, चाहे वो स्टेट मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हमेशा, ठीक है, शपथ का जहां पे इनका जिक्र है वो है शेड्यूल 3 के अंदर, शेड्यूल 3, ठीक है,
अनुसूचित तीन के अंदर जिनकी जो है वो जो भी शपथ लेते हैं उस शपथ के बारे में आर्टिकल अनुसूचित तीन में दे रखा है। और ये हमेशा दो बात की शपथ लेते हैं, जितने भी मिनिस्टर हैं वो सब दो बात की शपथ लेते हैं। पहले लेते हैं अपने पोस्ट की शपथ, ठीक है, अपने पद की शपथ, और सेकंड लेते हैं, ठीक है, सीक्रेसी की शपथ। तो पहले तो लेंगे पोस्ट की और सेकंड लेंगे सीक्रेसी की, अपनी गोपनीयता की, क्योंकि सारे मिलके काम करते हैं तो बहुत सारे सीक्रेट्स भी होते हैं। अपने डिपार्टमेंट का हेड कौन है, मिनिस्टर, तो मिनिस्टर के पास में अपने डिपार्टमेंट के जो भी ऐसे कुछ हिडन डेटाज होते हैं जो मिनिस्टर के पास में होते हैं और उसको सीक्रेट बनाने का बनाए रखना पड़ता है। तो अपने पोस्ट की और अपने सीक्रेसी की जो है वो शपथ लेते हैं। टेन्योर 5 ईयर, ठीक है, 5 साल तक इनका टेन्योर होता है। एक चीज और देखो, जब मान के चलो एमसी जो होती है, एमसी का हेड है सीएम, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड हो गया सीएम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है, जरूरी नहीं कि जो है कोई भी मिनिस्टर जो है हमेशा 5 साल तक एमसी के अंदर रहेगा या मिनिस्टर बन के रहेगा। बीच में यदि उसने सही काम नहीं किया, ठीक है, बीच में सही काम नहीं किया, तो सीएम जो है गवर्नर को एडवाइस करके उस मिनिस्टर को जो है वहां से जो है हटा सकता है, ठीक है। उसको लंबे टाइम तक अपने, यदि काम सही से नहीं कर रहा है तो अपने पद पे नहीं रखा जाएगा उसको, सीएम के एडवाइस के तौर पे गवर्नर उसको हटा देगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट कौन दे रहा है, ठीक है। इनको शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाता है गवर्नर, ठीक है। जितने भी मिनिस्टर होते हैं उन सभी मिनिस्टर को शपथ दिलाता है गवर्नर, ठीक है, गवर्नर दिलाता है। दूसरी चीज, गवर्नर किसको शपथ दिलाता है, सीएम को भी शपथ दिलाता है, क्योंकि सीएम भी एज ए मिनिस्टर है, तो सीएम भी हमेशा एज ए मिनिस्टर की तरह ही शपथ लेता है, ठीक है। इसके कोई अलग ऐसे शपथ नहीं होती है, ये भी एक तरह का मिनिस्टर होता है। देखो अब इनकी सैलरी के बारे में, ठीक है, एक चीज और है, जैसे मान के चलो इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, एमसी का मेंबर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब योग्यता क्या क्या है। देखो यदि कोई भी मिनिस्टर बनता है तो उसके लिए सिंपल ये है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए, मतलब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना चाहिए। यदि वो मेंबर नहीं है और उसको मिनिस्टर बना दिया, ठीक है, मान के चलो जैसे राजस्थान के अंदर कोई अशोक गहलोत की सरकार है, तो और ऐसा कोई मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है लेकिन उसको एज ए मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया, तो उस कंडीशन में उसको 6 महीने के अंदर अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना पड़ेगा, चाहे वो जो है कोई दूसरे इलेक्शन हो जाए या जैसे उपचुनाव होते हैं उसके द्वारा भी जो है वो एंट्री ले सकता है। तो कम से कम सिंपल क्या है कि वो एलिजिबिलिटी सिंपल क्या है कि वो मेंबर होना चाहिए, किसका मेंबर होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर का, स्टेट लेजिस्लेचर का, मतलब अपन बोल सकते हैं विधानमंडल का मेंबर होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो उसको कम से कम 6 मंथ के अंदर अंदर जो है वो मेंबर बनना पड़ेगा, तो 6 महीने के अंदर तो मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, तभी वो मिनिस्टर कंटिन्यू रह सकता है, वरना फिर वो मिनिस्टर से जो है वो हटाया जा सकता है। इसके बाद में देखते हैं सैलरी के बारे में। देखो चाहे एमसी हो चाहे सीएम हो, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल और सीएम की जो भी सैलरी होती है उस सैलरी के रिगार्डिंग कोई भी कानून बनाता है। इनकी सैलरी कभी फिक्स नहीं होती है, सीएम की और एमसी की सैलरी फिक्स नहीं होती है। इनकी सैलरी के जो के रिगार्डिंग जो भी कोई प्रोविजन होता है वो प्रोविजन बनाने का काम कौन करता है, वो करता है स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर ये डिसाइड करेगा कि सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर की सैलरी क्या होनी चाहिए, वो अपने आप कानून बना के डिसाइड करेंगे। और ये हर साल जैसे मतलब ये चेंज होती रहती है, ठीक है, जैसे ही गवर्नमेंट आती है तो अपने हिसाब से कानून पास कर लेती है। तो ऐसा एक कहा गया था कि जैसे दिल्ली में गवर्नमेंट बनी और केजरीवाल की सरकार आई तो उन्होंने एक ऐसे ही बिल पास किया और अपनी सैलरी को जो है वो बिल्कुल 4 गुना बढ़ा दिया, ठीक है, अपनी सैलरी को जो है वो 4 गुना इंक्रीज कर दिया। तो ऐसा जो है ये चेंज होता रहता है।
अब देखते हैं कि एमसी का जो मेंबरशिप होती है, मतलब एमसी में कितने मेंबर होते हैं, मेंबरशिप के बारे में देखते हैं, एमसी में कितने मेंबर आएंगे, संविधान के अंदर कहां पे क्या लिखा हुआ है। देखो संविधान के अंदर मेंबर के बारे में ये लिखा गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था तो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, ठीक है, उसके अंदर ये कहा गया था कि 91, देखो मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर के हिसाब से, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कितने मेंबर होंगे, मेंबरशिप के बारे में, ठीक है, मेंबर के हिसाब से मतलब कितने नंबर आएंगे, उसके अंदर कहा गया था कि 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के अंदर, 2003 के अंदर 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसमें ये कहा गया था कि जो लोअर हाउस है, ठीक है, किसी स्टेट लेजिस्लेचर या फिर चाहे सेंट्रल लेजिस्लेचर कोई भी हो, उन दोनों के अंदर ये कहा गया, फिक्स है दोनों में कि जो लोअर हाउस है उसके मेंबर का 15%, ठीक है, स्टेट सेंट्रल के अंदर लोअर हाउस क्या होता है, लोकसभा, और स्टेट के अंदर लोअर हाउस क्या होता है, एलए, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसका भी 15% लोकसभा सेंट्रल के अंदर, और इसका भी 15% स्टेट के अंदर, तो यहां पे 15%, ठीक है, ऑफ एलए, लेजिस्लेटिव असेंबली के 15% मेंबर मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर होंगे। जैसे राजस्थान का यदि एग्जांपल ले तो राजस्थान के अंदर एलए में अंदर कितने मेंबर है, 200, और 200 का वापस यदि अपन 15% निकालें, ठीक है, 15% निकालें तो लगभग आएंगे 30 मेंबर, ठीक है, 30 मेंबर, इस 30 मेंबर में सीएम भी इंक्लूड है, ठीक है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 29+1, ठीक है, एक सीएम हो गया और 29 जो है अदर मिनिस्टर हो सकते हैं, किसके अंदर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, ठीक है, राज्य मंत्री परिषद के अंदर, इसको हिंदी में बोलते हैं मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद के अंदर मैक्सिमम जो है इतने मेंबर हो सकते हैं, 15% मैक्सिमम। अब देखो मैक्सिमम जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर कितने हो सकते हैं, 500 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम, तो 500 मेंबर के अंदर जो है इसका यदि 15% निकाले, ठीक है, इसका 15% निकालेंगे तो लगभग आएगा कितना, 75 मेंबर, ठीक है, इसका यदि 15% निकालेंगे तो लगभग आएगा 75 मेंबर, ठीक है, 75 मेंबर, यानी किसी भी स्टेट की यदि लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद में यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है तो मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं वो हो सकते हैं 75, ये मैक्सिमम जा सकते हैं। देखो सबसे ज्यादा एलए में मेंबर कहां पे है, यूपी के अंदर, ठीक है, यूपी के अंदर कितने मेंबर है, 403 मेंबर है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मेंबर कहां पे होंगे, यूपी के अंदर ही होंगे, ठीक है, तो सबसे ज्यादा यदि एलए में मेंबर जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी मेंबर ज्यादा आएंगे, और वहां पे यदि एलए में मेंबर कम है तो फिर एमसी में भी मेंबर कम आएंगे। एक चीज और क्या है, मिनिमम कितने, देखो मिनिमम हो सकते हैं, ये तो मैक्सिमम है तो मिनिमम हो सकते हैं, और वो कितने मेंबर है, वो है 11+1, ये मेंबर हो सकते हैं, मिनिमम हो सकते हैं 12 मेंबर, कितने 12 मेंबर, मतलब एक सीएम होगा और इसके अलावा 11 जो है वो दूसरे अदर मिनिस्टर होंगे। अब इसके अलावा ऐसे कौन कौन से जैसे स्टेट हैं, ठीक है, जिसमें जो है वो 60 से भी कम मेंबर है, ठीक है, कुछ ऐसे भी स्टेट है जिसके अंदर 60 से भी कम मेंबर है, जैसे गोवा, गोवा, सिक्किम, ठीक है, ये ऐसे है जिसमें 60 से भी कम है, इसके अलावा भी, ठीक है, ये ऐसे जिसमें 60 से भी कम मेंबर है, लेकिन इसके अलावा एक और एक्सेप्शन है और वो है दिल्ली, कितना है दिल्ली, देखो दिल्ली के अंदर एलए में कितने मेंबर है, 70, कितने मेंबर है, 70 मेंबर, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है उस मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में सेवन, सिंपल सेवन मेंबर है, कितने मेंबर है, 7 मेंबर, और वो कितने हैं, 6+1, ये दिल्ली का जो है बिल्कुल एक्सेप्शन केस के तौर पे याद रखना है कि इसमें 60 से ऊपर मेंबर हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है इसमें मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में सिर्फ 7 मेंबर हैं, जिसमें एक सीएम और 6 जो है वो अदर मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ कितने मेंबर कहां पे होंगे, ये काउंसिल में
ठीक है, इंक्लूडेड होंगे ये सारा है मेंबर के हिसाब से। अब एक कुछ जो और है ठीक है, अब हम उसके बारे में देखते हैं। अब देखो अपन देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वर्क, ठीक है, कि इसके क्या क्या फंक्शंस होंगे, क्या क्या काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो पहले तो देखो हमेशा देखो रियल हेड ये होता है, रियल हेड, रियल हेड, ठीक है, मेन काम यही करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट के अंदर सारा जो भी काम होता है, चाहे वो कानून बनाने से रिलेटेड हो, चाहे वो बजट फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, यदि कुछ भी कोई भी पेंडेमिक है राज्य के अंदर, मान के चलो कोई पेंडेमिक फैल गया या फिर एपिडेमिक फैल गया, तो उस कंडीशन में हमेशा मेजर डिसीजन कौन लेती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेती है। तो ऐसे जो भी काम होता है वो सब ये करती है, एमसी करती है, और ये रिपोर्ट किसको करेगी, सीएम को, और सीएम रिपोर्ट किसको करेगा, गवर्नर को, ठीक है, गवर्नर को। इसमें एक चीज और है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी और पॉइंट है वो देखते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी देखा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो दो तरह से रेस्पॉन्सिबल होती है, किसके किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, सामूहिक रूप से वहां पे रेस्पॉन्सिबल होती है, और इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर, ठीक है। तो दोनों कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल किसके, एलए के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, और इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल किसके, गवर्नर के। जैसे कैसे देखो, यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो भी मेंबर होते हैं उन मेंबर को हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मतलब यदि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, और उनको जवाब भी देना पड़ता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हमेशा लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनको जवाब देना पड़ता है, तो ये उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। दूसरी चीज, जो भी यदि कोई मान के चलो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो काम कहाँ पे दिखाना पड़ता है, फाइनली गवर्नर को दिखाना पड़ता है, तो गवर्नर जो भी काम बोलेगा वो किसको करना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को करना पड़ेगा, इसलिए इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल भी है। एक चीज और, यहीं से ये होता है कि स्विम एंड सिंक टुगेदर, ठीक है, स्विम एंड सिंक टुगेदर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जितने भी मिनिस्टर हैं इंक्लूडिंग सीएम, जितने भी मेंबर हैं, चाहे जितने भी सीएम या जो भी मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन सबको साथ में मिलके काम करना पड़ता है, एज ए यूनिट की तरह काम करना पड़ता है, क्योंकि सारे जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सबका यूनेनिमस डिसीजन होता है, मतलब सारे मिलके एक साथ डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और यदि मान के चलो कोई मिनिस्टर एग्री नहीं है तो उसको उसी टाइम रिजाइन देना पड़ता है, उस डिसीजन के खिलाफ जो है वो रेजिग्नेशन देना पड़ता है, तो सारे एक साथ काम करेंगे, तो स्विम एंड सिंक टुगेदर मतलब सभी एक साथ तैरेंगे और सभी एक साथ डूबेंगे, यही की यही चीज मैंने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी बताई थी, सेम थिंग है, मतलब सभी मिनिस्टर एक साथ डूबेंगे और एक साथ तैरेंगे, They all work as a unit, एक इकाई की तरह काम करते हैं, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा एज ए यूनिट की तरह काम करेगा, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे वो रोड या ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड मिनिस्टर हो, तो ये सारे मिनिस्टर जो होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड हो, तो सारे मिनिस्टर एक एज ए यूनिट की तरह काम करते हैं, सबका डिसीजन जो होता है वो
एक सिंगल डिसीजन होता है और सब जो है यूनेनिमस डिसीजन लेते हैं, ठीक है।